आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शहर में हो रही ग्रीन गैस व पाइपलाइन की खुदाई के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की मुहिम को आगरा प्रशासन पलीता लगाता नजर आ रहा है। शहर में जगह जगह हो रही सीवर की खुदाई के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला सौरभ नगर दहतौरा आगरा का है, जहां सड़कों को ग्रीन गैस व सीवर के गड्ढों में आए दिन वाहनों का फंसना व लोगों का चोटिल होना आम बात हो गई है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लॉकडाउन से पूर्व प्रारंभ हुए कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसात के दिनों में क्षेत्रीय लोगों का पैदल निकलना भी संभव नहीं हो पा रहा है। में सीवर व ग्रीन गैस के लिए खुदाई की गई गड्ढे व रोड जी का जंजाल बने हुए हैं। समस्या ये है कि लॉकडाउन से पूर्व इसमें कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके बाद कार्य बीच में छोड़ दिया गया। एक बात तो ये है, उसके बाद मेरे द्वारा कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत गिट्टी डाली, उसके बाद फिर 5 फुट का और गड्ढा हुआ। फिर मेरे द्वारा 10 दिन बाद शिकायत दर्ज कराई गई, फिर भी 10 दिन लगा ली उन्होंने। उसके बाद कल पास में ही ये चावला जी नाम के व्यक्ति हैं, वहाँ आग लग गई। तो जो दमकल की गाड़ी थी जो 1 घंटे में आग बुझा देती, उन्हें बुझाने में 4 घंटे लगे। इसका कारण ये था उनकी गाड़ी धस गई। तो मेरी बस समस्या का निस्तारण कराने का ये है मतलब है कि इस तरीके से सपोज कीजिए अगर कोई घटना हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? जल निगम जिम्मेदार होगा या नगर निगम जिम्मेदार होगा? क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि करीब 9 महीने पहले खुदाई कर दी गई। कई बार संबंधित ठेकेदार व अधिकारी से खुदाई की गई गड्ढों की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही ना होने के चलते आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। ऐसे में शुक्रवार रात पास में ही फैक्ट्री में आग लग जाने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंस गईं, जिसके चलते फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को रोड पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी कर अपने आग पर काबू पाया। इनके यहाँ या जल निगम में रोड करने के बाद, इसके पाइपलाइन डलने के बाद इन्होंने क्या तुरंत ही गैस, ग्रीन गैस का ये काम कर दिया। वो लोग भी अपना अपना बस गड्ढे खोद गए, पाइप डाल गए, खुदे हुए हैं गड्ढे, गहरे गहरे गड्ढे हुए हैं। कभी गाड़ी गिर जाती है, कभी वो है ना, तो गाड़ी मोड़ पा रहे हैं। इस चीज़ से क्या है, मोड़ने में इनमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है गाड़ियों से। इनसे अगर गड्ढे साफ मुदे हुए होते तो गाड़ी शायद वहाँ तक पहुँच जाती। कल जो घटना हुई है आग की, उसकी वजह से, उन गड्ढों की वजह से गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से 4-5 घंटे लग गए आग बुझाने में भी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की मुहिम को आगरा प्रशासन पलीता लगा रहा है। क्षेत्रीय निवासी लक्ष्मीलाल पचौरी ने बताया कि दहतौरा रोड स्थित सौरभ नगर में ठेकेदार द्वारा डाली गई सीवर में प्रयोग की गई मटेरियल भी बहुत ही लो क्वालिटी की लगाई गई है। ऐसे में ग्रीन गैस व सीवर का काम बीच में ही रोक दिया गया। घर के सामने खुले गहरे गड्ढों के चलते बच्चों का गिरने का डर रहता है, लेकिन सामान्य अधिकारी व ठेकेदार को काफी शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। समस्या ये जो दहतौरा रोड जो है ये बिल्कुल बेकार हो गया है। यहाँ जो सीवर लाइन पड़ी हैं वो बिल्कुल ही गुणवत्ताहीन हैं, न इन्होंने सीसी डाली है। जो गड्ढे हो गए हैं उनमें कई ट्रैक्टर फंस गए। यहाँ 4-5 इंटर कॉलेज हैं, उसमें सारे बच्चे और वो तबाह हो जाते हैं, बुजुर्ग रोज उसमें गिरते हैं, कोई इसका समाधान नहीं है। दूसरा, हाँ, अभी जो है मतलब अधिशासी अभियंता, ये जो जल निगम का जो काम हो रहा है उससे कि SDO यहाँ पे आए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आगरा शहर की बात की जाए तो आगरा में ज्यादातर सड़कों का यही हाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्मार्ट सिटी का सपना आगरा वासियों के लिए महज एक सपना तो नहीं। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।